एच एंड आर किसका वर्क करेगा यहाँ पर रेडियस एंड एच हाइट का वर्क करेगा तो बच्चों क्वेश्चन में हमारे पास हाइट कितनी गिवन है एच इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर एंड रेडियस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी डायमीटर अपॉन टू तो बच्चों यहाँ से वॉल्यूम ऑफ बैरल हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम बी से रिप्रेजेंट करेगी इक्वल टू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू जीरो पॉइंट फाइव अपॉन टू की पावर टू इंटू एच की वैल्यू कितनी आएगी पर? तो यहाँ पर सेवन तो बच्चों यहाँ पर कैंसिल करेंगे एंड सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आएगा सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएगा ये क्या आएगा हमारे पास ट्वेंटी टू इंटू जीरो पॉइंट फाइव को क्या लिखेंगे स्क्वायर करने पर पॉइंट टू फाइव एंड अपॉन में क्या आएगा अगर हम पॉइंट हटाते हैं ये कितना हो जाएगा हमारे पास टू हंड्रेड ना फाइव से इसे कट करेंगे तो कितना आएगा फाइव फाइव से इसे कट करेंगे कितना आएगा फोर्टी एंड इसे कट करेंगे फोर से ये कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ पर स्क्वायर इसका भी होगा तो ये कितना होता है हमारे पास 4 100 तो 400 को हम 5 से कट करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों हमारे पास 80 नाउ इसे कट करेंगे 5 से तो ये कितना आएगा 16 इसे 5 से कट करेंगे 1 इक्वल टू कितना आएगा जाएगा 22 अपॉन 16 सेंटीमीटर क्यूब अब बच्चों ये हमारे पास कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ 1 बैरल एंड इतने में कितना लिखते हैं y वन वेर इक्वल टू टू सेवेंटी फाइव वर्ड्स इतने वर्ड्स लिखते हैं वन बैरल से एंड अब हमारे पास इंकि कितनी हो रही है one barrel में यूज ट्वेंटी टू अपॉन्ट सिक्सटीन सेंटीमीटर क्यूब तो यहां से हम क्या कह, कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वेरल Equal to कितना हो जाएगा 275 एक बर्ट, एक के में इतने लिखे जा रहे हैं तो हम यहां से क्या कह सकते हैं हमारे पास कितना है सेंटीमीटर क्यूब इसे नेम दे देंगे इक्वेशन अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों में क्या फाइंड करना है one fourth of one fourth of में कितना लिख सकते हैं हम वर्ड तो यहाँ पर देखेंगे

तो यहां पर देखेंगे इन वन फोर्थ लीटर इक्वल टू कितना कितनावेंटी फाइव इन टू कितना हो जाएगा यहां पर ये यह कितना था हमारे पास ट्वेंटी टू अपॉन सिक्सटीन इससे डिवाइड करना पड़ेगा पहले सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव एंड मल्टीप्लाई किसका होगा टू फिफ्टी का तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे पहले यहाँ पर कट करेंगे तो 25 से इसे कट करने पर कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 275 into 1 60 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 50000 वर्ड्स मींस 1/4th ऑफ लीटर में हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं 50000 वर्ड्स ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होप यू अंडरस्टूड वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू